वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर के पुष्पिंदर सिंह। आई होप तुसी चैनल नु सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। जे नहीं कीता तां सब्सक्राइब जरूर कर लो, रेड कलर दा बटन होगा ते नीचे उनु सब्सक्राइब कर लो ते बेल आइकन नु प्रेस करो ताकि जेडियां नवीं वीडियोस ने उहनां दी अपडेट्स तुहानु मिलदियां रहन। ते जेडियां पहला वीडियोस अपलोड कीतियां ने जे उहनां दा कंटेंट तुहानु अच्छा लग्गिया उहनां नु लाइक करो, शेयर करो। इस वीडियो दे विच आपां गल करन जा रहे हाँ इंटैलीजेंस दी, साइकोलॉजी दी गल करांगे, इंटैलीजेंस दी गल करांगे कि इंटैलीजेंस जिहड़ी आ ओह वक्खो वक्खरे मनोविज्ञानियां दे अनुसार ओह हुंदी की आ, है ना, बुद्धिमत्ता जिहड़ी आ ओह किस तरीके नाल काम करदी आ। तां सब तों पहलां जिवें कि तुसीं देख रहे हो मैं चॉकबोर्ड दे उत्ते वाइट बोर्ड दे उत्ते जी लिखिया होया, तां जी डिपिक्ट करता जनरल, है ना, कि जनरल इंटैलीजेंस आप कह लें की होंगी की है, जनरल इंटैलीजेंस की होंगी है। जनरल इंटैलीजेंस की जो आप गल करते हैं तो जॉनसन ते स्टैम दो मनोविज्ञानिक यहोजे हुए ने जिन्होंने ये गल रखी सारे के सामने कि हर बंदे दे विच जनरल इंटैलीजेंस होंदा ही है। वो कहिंदे भी जे मान लो व्यक्ति ए नूं एक साइकल चलाउणी आउंदी है, है ना, व्यक्ति ए है वह बहुत वधिया ढंग नाल एक साइकल चला लैंदा है, तो वह कहिंदे भी उस साइकल चलाउण वाले व्यक्ति नूं ए नूं एक कार भी चलाउणी आउंदी ही आउंदी है, वह कार भी चला सकदा है। कितने ना कितने असीं मन भी लवेंगे कि ठीक है हो सकता वो चला सकता हो कार, पर अगे वो एक होर गल करते हैं कहते वो जे वो साइकिल चला सकता ना तो वह एक हैलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। हुण इत्थे तो बहुत वड्डा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई हैलीकॉप्टर चलाने लई तां अलग तरह की एबिलिटी चाहिए होंगी है। जां आपां दूसरी एग्जाम्पल लै लीए जिवें जनरल इंटैलीजेंस का जॉनसन ते स्टैम गल करते हैं जनरल इंटैलीजेंस की, जिथे वो नॉर्मली कह देंगे ने बड़े सवैकी कह देंगे ने कि जी ज़्यादातर बंद मान लो सारियां नूं आपां कह दिंदे आ पता ही है भी 2 जमा 2 4 होंगे ने, 3 गुणा 6 18 होंगे ने, 9 माइनस 1 8 होंगे ते 12 डिवाइडेड बाय 4 3 होंगे, ये आउंदा ही है ना, ज्यादातर ये बंदे नूं आउंदा ही हुंदा। तो वह कहिंदे जिहड़ा बंदा ये सॉल्व कर सकदा है इट मीनस वह इंटैलीजेंट तो हैगा ही हैगा, वह बंदा इंटैलीजेंट है, इसलिए वह बंदा ये सॉल्व कर सकदा है 20 √25 4.6 7 9 13 माइनस या सॉल्व कर सकदा। हुण तुसीं मैनूं दसो कि एक साधारण व्यक्ति जिहड़ा आ सारियां जिन्हां नूं पता ने वो ये सॉल्व कर सकता बिना कैलकुलेटर की मदद नाल, नहीं कर सकता। कैलकुलेटर की मदद नाल भी उही कर सकदे आ जिन्हां नूं कैलकुलेटर यूज करना आंदा है। तां स्टैम दी ते जॉनसन दी इह धारणा नूं गलत साबित कीता ते इसे धारणा नूं अगे लैके गए स्पीयरमैन। बहुत ही वधिया गल कीती उन्होंने, है ना, वो अपने तर्क दिंदे हुए गल करते हैं कि जिहड़ी इंटैलीजेंस है ये हुंदी तां हर बंदे दे विच ही है पर यह दो हिस्सों दे विच हुंदी है। वो कहिंदे वी दो हिस्सों विच हुंदी है इंटैलीजेंस, जिवें मान लो कि एक बंदे नूं जे साइकिल चलाउणा आउंदा है तां वह बंदा मोटरसाइकिल नूं बहुत आसानी नाल सीख सकदा है। तो वह कहते भी स्पैसिफिक की है, ये गल आप कर रहे हैं स्पीयरमैन दे थ्योरी दी। स्पीयरमैन दी टू फैक्टर थ्योरी दी गल कर रहे हैं। स्पैसिफिकली कहते भी साइकिल चलाना आता है इसलिए उन्होंने स्पैसिफिकली बाइक बहुत ईजीली आ जाऊगा चलाना, इट मीनस वो बैलेंसिंग करन दी जनरल एबिलिटी हैगी है, जनरल एबिलिटी है बैलेंसिंग करन दी। तां इत्थे असीं गल मान ली उन्हां दी, क्यों, क्योंकि ठीक है भाई जे मैनूं साइकिल चलाउणा आउंदा है तां मैं बहुत सहज बाकी
ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਲਿੰਗ ਬੋਟ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਬੋਟ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੋਪਲੇਨ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਜੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸ ਕੀ ਹੈ। ਐਸ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਆਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਥੀਟਾ ਐਲਫਾ ਬੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਗਿਲਫਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਗਿਲਫਰਡ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਗਿਲਫਰਡ, ਹੁਣ ਜੇ ਪੀ ਗਿਲਫਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਕਿਊਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਲਏ, ਕੰਟੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4, 5 ਅਤੇ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 120 ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਸੈੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।